रोमन न्यूमरल में डिनोट करते हैं 100 को, वो भी किससे, सी से, और सी में से 10 माइनस कर दो, मतलब 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 आ जाएगा, तो 90 के लिए क्या हो गया एक्स सी, और 2 के लिए तो सिंपल ये, तो हम 92 को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक्स सी 1 1, दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे टॉप चैप्टर था प्लेइंग विद द नंबर, ठीक है, उसमें हमारा ये टॉपिक है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टर्स एक तरह से रिलेटिवली दिए जाते हैं कि किसी नंबर का फैक्टर हम बात करते हैं तो उस रिलेटिवली बात करते हैं। जैसे कि जो डेफिनेशन होती है फैक्टर्स की, वो होती है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है इससे कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, वो बोल ही रहा है कि किसी नंबर का कोई फैक्टर हुआ है ना। तो हम ऐसे बात नहीं करते कि सिर्फ, मतलब हमने उसे बोल दिया ये कोई फैक्टर है, तो हम बोलते हैं कि ये कोई फैक्टर है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा ये किस नंबर का फैक्टर है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये 6 है, कोई नंबर है 6, मैंने ये मान लिया 6। अब इसका इसमें मैं 3 का डिवाइड देता हूँ तो ये क्या जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 क्या हुआ, 3 6 का एग्जैक्ट डिविजर हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर हम किसी नंबर का दूसरे नंबर में डिवाइड दें और उसका रिमाइंडर 0 आए उसका, तो मैं बोलूँगा कि वो नंबर क्या है, जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं वो क्या है, जिस नंबर में डिवाइड दे रहे हैं उसका फैक्टर है, है ना। सो हियर वी कैन से दैट 3 इज फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। मतलब लिखने का तरीका ये होता है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो अगर किसी नंबर में हम डिवाइड दे रहे हैं किसी दूसरे नंबर का और वो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, मतलब रिमाइंडर है वो 0 जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उस नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ पर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होती है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। तो मल्टीपल ऐसा नंबर होता है, मतलब जैसे कि फैक्टर किसी नंबर का होता है, ऐसे मल्टीपल भी किसी नंबर का होता है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो जैसे कि ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना। मैंने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 4। अब इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, वन से लेकर इनफिनिट, ठीक है। तो मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 8, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 12, ठीक है। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, तो ये जो हमारे नंबर ऑब्टेन हुए हैं, ये जितने भी हमारे नंबर ऑब्टेन हुए हैं 4, 8, 12 और ऐसे क्या होंगे 16, 20, ये जो भी नंबर है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर ऑब्टेन होते हैं किसी नंबर को, तो वो नंबर क्या है, जो हमने नंबर लिया था पहले, जो ये हमने 4 नंबर लिया था, इसके मल्टीपल्स, ठीक है। तो 4 को जब मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारी एक सीरीज आएगी नंबरों की, बहुत सारे नंबर आएंगे, तो वो सब नंबर 4 के क्या होंगे, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, है ना। तो और बेसिकली मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये डिवीजर का जस्ट, फैक्टर का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अगर कोई नंबर जैसे कि 4 जो है ये इन सब का मल्टीपल है, तो जो 8 का डिवीजर भी होगा 4, है ना, 12 का डिवीजर 4 होगा, 16 का डिवीजर 4 होगा, 20 का भी डिवीजर 4 होगा। ऐसे ही आप इस सीरीज में कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका डिवीजर 4 होगा। तो मल्टीपल और जो फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट रिवर्स रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मल्टीपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर और मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो वन होता है हमारा, वो हर नंबर का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, फैक्टर की डेफिनेशन थी उस नंबर का जब हम डिवाइड देंगे किसी में, तो किसी भी नंबर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन का जब मैं किसी भी नंबर में डिवाइड दूंगा तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कह भी सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वन वन इज इक्वल टू वन इंटू वन, टू इज इक्वल टू वन इंटू टू। मतलब अगर मैं टू में वन का डिवाइड दूंगा तो टू, है ना, टू टाइम्स में डिवाइड दूंगा तो टू आ जाएगा, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं वन का आप ट्राई कर लीजिए, जैसे कि आप 110, ठीक है, तो वन से डिवाइड दीजिए, है ना, तो 110 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 110 और रिमाइंडर क्या जाएगा, दोबारा जीरो। तो आप किसी भी नंबर का वन में डिवाइड दीजिए, किसी भी नंबर का वन का डिवाइड दीजिए किसी भी नंबर में, ठीक है, गलत बोल रहा हूँ मैं, वन का डिवाइड दीजिए किसी भी नंबर में, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, है ना। क्योंकि इसे ये एग्जांपल भी दे रखे हैं मैंने कुछ, क्योंकि वन इज टू वन इंटू वन, ऐसे आप किसी भी नंबर को लीजिए तो आपको आप वन के मल्टीप्लीकेशन में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी कि ए वन होता है, जो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये आप याद भी रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रॉपर्टी कि जो वन होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है ना। तो अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर टू, दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा कि वन है तो मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू वन, है ना। सिक्स है, सिक्स को क्या लिख सकता हूँ, सिक्स इंटू वन। टेन है, टेन को क्या लिख सकता हूँ, टेन इंटू वन, है ना। ऐसे सिमिलरली आप किसी भी नंबर को, जैसे कि कोई भी नंबर है x, मैंने x मान लिया, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू वन, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगा साफ साफ, x, है ना, x इक्वल टू x इंटू वन, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप कोई भी नंबर है ना, जैसे कि मैंने नंबर मान लिया 37, ठीक है। अब मैं 37 उसका नंबर खुद में डिवाइड दूँ, मतलब 37 का 37 में ही डिवाइड दूँ, तो हमारा जो डिवाइड है वो पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। तो यहाँ पर भी मतलब किसी भी नंबर में आप खुद का डिवाइड, उसी नंबर का डिवाइड देके देखेंगे तो जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रही है ना। ये सब एग्जांपल जितने भी मैंने दे रखे हैं, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, जीरो, जब खुद से डिवाइड करते हैं तो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर एक नंबर है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये क्या सही है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्यों, क्योंकि उसका जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम हमारी अगली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान हो तो हमने मतलब जो डेफिनेशन पढ़ी थी फैक्टर की, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें फैक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि जो ऐसे नंबर्स को जब हम ऐसे नंबर जो जिसको हम दूसरे नंबर में डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा, रिमाइंडर जीरो आए, तो रिमाइंडर अगर जीरो आए तो मैं उस नंबर को क्या बोलूँगा, दूसरे नंबर का फैक्टर। तो यहाँ पर वो क्या बोला, इज एन एग्जैक्ट डिविजर, और एग्जैक्ट डिविजर का मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्ट डिविजर का मतलब पूरा डिवाइड जाए उसमें, उस दूसरे नंबर में पूरा डिवाइड जाए, कम्प्लीटली डिवाइड जाए, तो फिर उसका मतलब भी क्या होता है कि रिमाइंडर क्या आए, मतलब जीरो आए, है ना, ठीक है। मतलब दोनों क्या है, एक ही चीज़ है ना, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये प्रॉपर्टी सही है। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो हम जानते हैं कि 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब 12 के क्या है, फैक्टर है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इनका 12 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिविजर है, और रिमाइंडर जीरो क्या आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है। तो मतलब जो ये चीज़ है, फैक्टर किसी जो कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो वो उसका एग्जैक्ट डिविजर भी होगा, ठीक है। तो और ये आप किसी भी नंबर के कोई और एग्जांपल भी आप आपके मन से लेके देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिक्स के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, और 1, 2, 3 का जब मैं 6 में डिवाइड दूंगा तो वो डिविज़न एग्जैक्ट जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूँ, ये 1, 2, 3 एग्जैक्ट डिविजर भी है, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. ठीक है, तो किसी भी नंबर का मैं कोई फैक्टर लूँ तो वो जो फैक्टर होगा वो उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर जो होता है वो हमेशा इस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स फैक्टर. द नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स फैक्टर, है ना. अच्छा, आप अगर इसका प्रूफ थोड़ा एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे कि मुझे 6 का फैक्टर चाहिए. जो 6 के फैक्टर क्या थे, 1, 2 और 3, उनमें से 6 का कोई भी 6 से बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं है. ठीक है, 1, 2, 3 और 6 कुछ भी ले लीजिए, है ना. तो अगर मैं जैसे कि फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे जैसे कि ये कोई 6 है, ये 6 है, तो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे नंबर हम डिवाइड देके देखते हैं और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए. ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए. तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा कि वो उसका फैक्टर है. तो अगर मैं 6 से बड़ा ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6 ऐसे नंबर का डिवाइड लूं 6 में, तो वो क्या आगा, 1 से क्या आगा, कमी आएगा. मतलब वो डिवाइड कभी जाएगा ही नहीं. ये तो आप जानते हो, ये तो बेसिक सी चीज है कि किसी नंबर में उस नंबर से कुछ कोई नंबर है x. ठीक है, उस नंबर उसमें मैं x से बड़े ग्रेटर देन x का डिवाइड दूंगा तो वो कभी डिवाइड पूरा जाएगा ही नहीं. ठीक है, वो कंप्लीट डिविजन होगा ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर ग्रेटर देन x हो तो उससे कभी भी पूरी तरह डिवाइड नहीं जा सकता, तो वो उसका फैक्टर भी कभी नहीं हो सकता. ठीक है, नेवर नॉट अ फैक्टर, है ना. तो उसका कभी फैक्टर भी नहीं हो सकता, है ना. और यही हमारी जो प्रॉपर्टी है वो भी यही कह रहे हैं कि एवरी फैक्टर जो हमेशा जो फैक्टर है वो उस नंबर से हमेशा कम या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर हो सकता है. ठीक है, पर उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना. तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई हो. नेक्स्ट स्टूडियो में भी हम ऐसी ही एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम हमारी अगली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं. प्रॉपर्टी क्या है, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे. मतलब उन्हें मैं गिन सकता हूँ, वो मतलब एक फाइनाइट होंगे. ठीक है, तो इसका मैं प्रूफ कैसे करूँगा कि जैसे कि हमने पिछली प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, वो क्या थी कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से कभी ग्रेटर नहीं हो सकते, है ना. उससे कभी बड़े नहीं हो सकते, है ना. पॉसिबल नहीं है, है ना, बड़े फैक्टर. तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी नंबर है x, तो x क्या है, फाइनाइट है. x क्या है, फाइनाइट है. अब जो कोई भी फैक्टर है वो इससे क्या होंगे, या तो इसके बराबर होंगे या इससे कम होंगे. तो x फाइनाइट है, तो अगर इससे जो कोई 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 नंबर है जो इससे कम है या फिर बराबर है, वो नंबर भी होगा फाइनाइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे जो डिविजर्स है वो क्या होंगे, फैक्टर्स. तो ऑल द फैक्टर्स जो भी है वो क्या होंगे, फाइनाइट. ठीक है, क्योंकि ये नंबर फाइनाइट है, तो इससे कम जो भी नंबर होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, है ना. तो ये सिंपल सा लॉजिक है इस प्रॉपर्टी का. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में फैक्टर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इस वीडियो में हम मल्टीपल से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6. मतलब 5 प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ ली है, ये 6th प्रॉपर्टी है. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का मैं कोई मल्टीपल लूँ तो वो जो मल्टीपल है वो उस नंबर से हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना. तो ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई 5 है, मैंने नंबर ले लिया 5, तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे 5 into 1, 5, 5 into 2, 10 और सो ऑन, है ना. तो 5 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उससे बड़ा ही तो जाएगा. 5 में मैं कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करूँगा
तो वो उससे हमेशा बड़ा ही तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल बेसिकली होता क्या है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाई नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि जब I'm going to
Thank you.
नंबर का टू टाइम्स है, इस नंबर का टू टाइम्स है, तो फिर इस नंबर को मैं क्या बोलूँगा, परफेक्ट नंबर है ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है, एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे कि छः, छः के फैक्टर्स क्या, छः के फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर वन टू थ्री एंड सिक्स, वन टू थ्री और सिक्स ये क्या होगा, सिक्स का फैक्टर। अब मैं जो सिक्स का फैक्टर है उनका समेशन करूँगा, उनका समेशन क्या, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स होगा छः और तीन नौ, नौ या ग्यारह, ग्यारह और एक बारह है ना। अब ये जो समेशन आया है ये क्या है, टू टाइम्स ऑफ सिक्स, टू टाइम ऑफ द नंबर, जो मैं डेफिनेशन में बात करता हूँ, टू टाइम्स का नंबर, नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड एज परफेक्ट नंबर। तो अब ये क्या होगा, छः का टू टाइम्स क्या है, समेशन ऑफ फैक्टर होगा। अब सो वी कैन से दैट सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर। लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, इस नंबर के पूरे फैक्टर्स को लिस्ट करने का
पर लिख लीजिए, अतः वो नंबर तो विजुअल है और जो पैसा था हमारा उस पर लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, लिस्ट टू एंड अदर फैक्टर्स जस्ट ड्रॉ, ठीक है। और जो पैसा था उसको टू के नीचे लिख लीजिए। आप क्या कीजिए, ड्रॉ आपका नंबर बाय थ्री, क्या नंबर इज विजुअल बाय थ्री, अगर वो जो नंबर है हमारा उसे तीन से ड्रॉ कीजिए, अगर वो नंबर तीन से डिविजिबल है विजुअल है तो उसे जो आप क्या करेंगे पैसा ऐड करेंगे अपने लिस्ट में तीन लिख देंगे, ठीक है। और जो अपना जो पैसा था जस्ट ड्रॉ थे उसको उसको भी अपने लिस्ट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा रही स्टेप क्या है कि जो नंबर है उसे आप चार से ऐड करेंगे, अगर वो नंबर चार से डिविजिबल है तो आप क्या करेंगे, जो चार से डिविजिबल है तो जो पैसा आया हुआ है उस पैसा जो पैसा आया है उसको निकालेंगे और लिस्ट चार को चार तक चार से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, चार तक का फैक्टर्स की लिस्ट चार पर लग जाएगा। अब पैसा को पैसा के नंबर में निकाला उसको भी लिस्ट करना चाहिए, ठीक है। Okay.
बोलते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सिर्फ वन कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सिर्फ वन कॉमन आ रहा है, और कोई से कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो इन दोनों का 512 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये जो नंबर है, अच्छे नंबर है, जो कि हमसे बोला है कि वो पाँचों बार से डिविजिबल है, तो वो 1 से भी डिविजिबल होगा और किसी नंबर से ऐसे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि 1 क्या है? इंटरनल नंबर का कॉमन फैक्टर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है? प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन का। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर को हमारा मैं उसे प्राइम नंबर कह सकता हूं, उसके अगर अगर उसके जो फैक्टर है वो 1 हो और 1 हो, तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है?
तो का सक्सेस माइनस प्राइम नंबर तो ऐसा सेकंड टाइप का तो इस ऑनली इवन प्राइम नंबर ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर तो जो भी जितने प्राइम नंबर होते हैं उनमें से टू ही सेल्फ इवन है बाकी सब क्या है बाकी सब प्राइम नंबर होता है अदर प्राइम नंबर जितना भी है वो सब क्या है हमारे वो सब ऑड है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट क्या है इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द प्राइम लेस देन हाफ ऑफ इट देन इट इज प्राइम अदरवाइज इट इज अ कंप्लीट नंबर तो कोई नंबर है वो डिविजिबल नहीं है एंड किसी भी प्राइम प्राइम नंबर उसके लेस देन हाफ ऑफ इट उसके उस नंबर के हाफ कोई नंबर है उसका हाफ करो है ना उसके हाफ से कोई भी लेस लेस कोई भी प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल नहीं है तो उस नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो प्राइम नंबर है अदरवाइज इट इज अ कंप्लीट नंबर ठीक है तो आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड और नेक्स्ट वीडियो में हम द सेव ऑफ एरर क्वेश्चंस पढ़ेंगे ठीक है हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम्स के बारे में ठीक है और टॉपिक है ट्विन प्राइम्स तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन क्या होती है इसका डेफिनेशन है टू प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम तो दो प्राइम कोई भी दो प्राइम नंबर है हमारे पास उन दोनों को मैं ट्विन प्राइम्स बोल सकता हूँ अगर अगर जो उनके बीच में एक सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर है अगर उनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर है तो मैं उसे उन दोनों नंबर्स को क्या बोल सकता हूँ ट्विन प्राइम बोल सकता हूँ ठीक है तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप सिर्फ थ्री और फाइव है थ्री और फाइव का प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है और थ्री और फाइव के बीच में सिर्फ एक नंबर आता है फोर है ना और फोर का कंपोजिट नंबर ठीक है तो फिर दो प्राइम नंबर के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ थ्री और फाइव क्या है ट्विन प्राइम्स है ठीक है थ्री और फाइव क्या है ट्विन प्राइम्स ऐसे ही है इलेवन थर्टीन है सेवन नाइन सेवनटी नाइनटीन है ऐसे ही सेवनटी वन सेवनटी थ्री है ठीक है और ये सब जो नंबर दिए हुए हैं ये एक से लेकर सौ तक के बीच में है ना जितने भी ट्विन प्राइम्स है उनके नंबर लिस्ट जो है ठीक है तो आई होप आपको ट्विन प्राइम्स टॉपिक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम तक तो आई होप आपको टाइम टेबल का प्रोग्राम आज का टॉपिक समझ में आ गया हो
Next to the room to check whether a number between 100 or 200 is prime or not. Listen to our आज का topic है prime triplet and co-primes. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे prime triplet क्या होता है. Prime triplet की definition है a set of three consecutive prime number between by two. It's called a prime triplet. तो prime triplet इसको बोलते हैं कि ऐसे prime numbers का set जिनका ऐसे तीन प्राइम नंबर का सेट जिनमें सिर्फ दो नंबर दो का डिफरेंस है. ठीक है, उसकी पाँच और तीन है, पाँच और तीन में दो का डिफरेंस है ना, और सात और पाँच है इन दोनों में भी दो का डिफरेंस है. तो ऐसे तीन प्राइम नंबर का सेट को क्या बोलता हूँ, प्राइम ट्रिपलेट है ना. ये हो गए प्राइम ट्रिपलेट की डेफिनेशन. थोड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है उसके, बस यहाँ तक के लिए है ना, कोई ज़रा खास इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट हमारी चीज कोप्राइम. कोप्राइम क्या होता है, two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than one. तो दो नंबरों को मैं co-prime बोल सकता हूँ अगर उनमें एक के अलावा कोई भी other common factor ना. तो ये हमारे हो गए co-prime की definition. अगर मैं बता देता हूँ, कोई भी दो नंबर जिनमें से एक के अलावा कोई भी common factor ना हो, तो उन्हें मैं क्या बोलूँगा, co-prime. तो ये co-prime और prime triplet की क्या हुआ definition है ना. तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी. अब एक इम्पोर्टेंट रिमार्क देख लेते हैं. देखा है, कोई भी दो प्राइम नंबर, जो कोई भी दो प्राइम नंबर है, एनी टू प्राइम नंबर, एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, वो हमेशा co-prime होंगे. क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. कोई भी दो नंबर दो प्राइम नंबर ले लो, वो co-prime तो होंगे ही होंगे. पर कोई भी दो co-prime नंबर हो, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, है ना. एग्जाम्पल के तौर पर 14 और 15, 14 co-prime तो है क्योंकि उनमें 1 के अलावा कोई और common factor नहीं है. पर जब हम बात करें 14 और 15 के, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के डेफिनेशन को ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते हैं ना. तो आई होप आपको प्राइम ट्रिपलेट का प्रोग्राम आज का टॉपिक समझ में आ गए हो. नेक्स्ट वीडियो में हम रूल टू चेक वेदर अ नंबर बिटवीन 100 और 200 इज प्राइम और नॉट. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रूल टू चेक वेदर अ नंबर बिटवीन 100 एंड 200 इज प्राइम और नॉट. तो अच्छा, हम जब प्राइम नंबर देखने की बात आती है तो हम जब छोटे नंबर होते हैं तो हमने तो फैक्टर निकाल कर देख लेते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर हो जाते हैं तो हमने प्राइम नंबर देखने में परेशानी आती है. तो हम ऐसे रूल पढ़ने वाले हैं जिससे हम 100 से 300 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनमें देख सकते, कोई किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम लेस देन 50. तो जो 100 से 200 के बीच में ये नंबर है, वो नंबर मैं लूँगा और उससे देखूँगा, उसमें देखूँगा कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं 1500 छोटे किसी भी प्राइम से. 1500 छोटे को प्राइम करना चाहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना. तो इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं होगा, और अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं होगा. अगर वो डिविजिबल है देन इट इज नॉट प्राइम है ना. पर अगर डिविजिबल नहीं है, अगर नॉट डिविजिबल है तो अगर इफ इट इज नॉट डिविजिबल देन इट इज प्राइम. ठीक है, हाँ, तो ये तो गया हमारा रूल है ना. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम 100 से 400 के बीच में किसी नंबर को चेक करना कि वो प्राइम है या नहीं, ऐसा रूल पढ़ेंगे. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 100 से 200 के बीच में किसी नंबर को प्राइम है या नहीं ऐसा चेक करने के लिए रूल देखा था, इस वीडियो में 100 से 400 के बीच में कोई नंबर प्राइम है या नहीं उसको चेक करने के लिए रूल बताऊंगा. ठीक है, तो रूल क्या है, इफ अ नंबर बिटवीन 100 एंड 400 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम लेस देन 20. अगर 20 से छोटा किसी भी प्राइम नंबर 20 से छोटा कौन कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 है ना, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो प्राइम है. इफ इट इज नॉट डिविजिबल, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 100 से
Yeah, I'm gonna let you have to have a
कॉल कर सकता है और अपडेट सकता है जैसे अपना जमा नंबर तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर जमा है ना उससे हम कॉल सक्सेस को प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ कॉल फैक्टराइजेशन ठीक है और एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए जैसे कोई हमारे पास नंबर है छः छः को मैं कॉल अपने कॉल सक्सेस के मल्टीप्लीकेशन में के रूप में एक्सप्रेस करूँ उस प्रोसेस को क्या बोलूँगा मैं कॉल फैक्टराइजेशन जैसे कि छः को ले सकता हूँ थ्री इंटू टू तो ये जो मैंने लिखा है उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉल फैक्टराइजेशन यहाँ पर ले सकता हूँ सिक्स इंटू वन तीन दो एक छः ये सब क्या है इसका ये सब इसका कॉल फैक्टर है ठीक है तो आई होप आपको कॉल फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे Gracias.
Thank you.
तो एग्जांपल के लिए जो प्राइम फैक्टर है दो है, वो सबसे कम एक बार आया है 90 के जब मैंने प्राइम फैक्टर, इसमें तो चार बार आया है और इसमें एक बार आया है, सबसे मिनिमम क्या होगा एक बार आया है वो वाला, तो दो सबसे कम एक बार आया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 में, और जो तीन है तीन वो सबसे कम एक बार आया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 में, है ना। तो अब ये हमने नोट कर लिया कि सबसे कम बार किस में आया है और कितनी बार आया है, ठीक है। फिर क्या हमारी लास्ट स्टेप आती है, लास्ट स्टेप क्या हमारी स्टेप फाइव क्या, मल्टीप्लाई ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स डिटरमाइंड इन स्टेप 4 एंड फाइंड द प्रोडक्ट टू गेट द रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है। तो जितनी बार आपका आया था मिनिमम नंबर जितनी बार आया था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर मतलब उस प्राइम फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो हमारा रिजल्टेंट आता है उनसे जो हमारे प्राइम फैक्टर से कॉमन प्राइम फैक्टर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर दो एक बार आया तो 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा जो दूसरा वाला प्राइम फैक्टर है कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो तीन है हमारा कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर दूसरा वाला, तीन कितनी बार आया एक बार, है ना। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 × 3 तो इसको क्या हो जाएगा 6। तो ये जो हमारे डिजिट है 6 क्या है HCF है 90 और 48 का। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल लिया 90 और 48 का और वो क्या आया 6, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 144 और 92 का HCF निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम उसी की हेल्प से 144 एंड 92 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी कि नंबर को आइडेंटिफाई करना, तो हमें किस किस का एचसीएफ निकालना है 144 और 92 का। और अगली स्टेप क्या थी हमारी, अगली स्टेप थी इन दो जो हमारे दो नंबर है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो ये 144 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो ये 2 टाइम डिवाइड जाएगा, ये क्या होगा 72, अगेन 2 टाइम्स जाएगा ये क्या होगा 36, दोबारा 2 टाइम्स तो ये क्या होगा 18, फिर दोबारा 2 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा 9, फिर ये 3 टाइम्स और ये 3, और दोबारा 3 टाइम्स ये 1, ठीक है। तो 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब आगे 144 को लिख दिया, अब मैं क्या लिखता हूँ 92 के बारे में, तो 92 का कैसे लिखेंगे, 92 टू बार 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा क्या होगा 416, ठीक है। ये 3 टाइम्स है ना, और ये क्या हो जाएगा 23 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। तो जो 92 है उसके ये तो 144 का आ गया, 92 का क्या आएगा 2 × 2 × 23, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अच्छा, अब हमें देखना था कि इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, तो 144 और 92 में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से है 2 है, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, और 23 इसमें है पर इसमें नहीं है, ठीक है। तो 2 ही इसमें कॉमन है, और अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर निकाल लिया कि कॉमन प्राइम फैक्टर वो क्या है 2। अब हम देख लेते हैं कितनी बार एटलीस्ट सबसे मिनिमम बार किसमें आ रहा है, तो इसमें ये 4 टाइम्स आ रहा है, इसमें ये 4 टाइम्स आ रहा है और इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 2 तो हमारे क्या कॉमन प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वो मिनिमम टाइम्स कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 आ रहा है 2 आ रहा है, तो मिनिमम क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो 144 और 92 का HCF क्या हो गया 4। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू डिवीजन थ्योरम से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम। हम इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, तो अगर हम इसके डेफिनेशन पर जाते हैं तो डेफिनेशन स्टेट्स दैट If a and b are two positive integers, a और b हमारे पास दो positive integers हैं, important बात क्या है positive integers, such that अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है,
कि a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो q कोशेंट है और r रिमाइंडर है. देन एवरी कॉमन डिविजर ऑफ a एंड b, a और b का जितना भी कॉमन डिविजर होंगे या फिर हम फैक्टर बोलते हैं उसको, इज ऑल्सो अ कॉमन डिविजर या फिर फैक्टर ऑफ b एंड r. यानी कि इसका और इसका कॉमन डिविजर इसका और इसका कॉमन डिविजर होगा. कॉमन क्या है यहाँ पर? b. ठीक है, तो इतना अभी हमने कह दिया. लेट्स ट्राई टू गो ऑन इट्स प्रूफ. तो अब हम इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बात क्लियर दिख रहा है हमें कि इसका इसी का इस्तेमाल करते हैं गिवन इक्वेशन का बेस्ट वे. तो हमें पता क्या है, अभी हमें क्या पता है कि हमारा जो बी और ए है, गिवन है हमें ए और बी का कॉमन डिविजर है. ठीक है, वी हैव टू प्रूव कि बी और आर का भी कॉमन डिविजर वही होगा. सो मूविंग ऑन, हम आर आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी क्यू हो जाएगा. ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट सी बी अ कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी. ए और बी का एक कॉमन डिविजर हम बना लेते हैं सी. ठीक है, मान लेते हैं कि सी ए और बी का कॉमन डिविजर है, सच दैट ए को मान लेते हैं हम सी क्यू वन. ठीक है, और हम बी को मान लेते हैं सी क्यू टू. चलेगा, ये डिवीजन है ना भाई, इसका मतलब कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा होगा. दैट्स वाई कि कॉमन डिविजर सी है तो कोई क्वेश्चन बच रहा होगा क्यू वन, और बी के केस में कोई और दूसरा क्वेश्चन बचेगा क्योंकि ए और बी तो बराबर नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए. अब हम क्या करेंगे कि इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे आगे बढ़ने के लिए. मूविंग ऑन, हम अब ए को क्या लिखेंगे, सी क्यू वन माइनस बी को क्या लिखेंगे, सी क्यू टू क्यू. ठीक है, अब ऐसा कुछ आ गया आर, हमारा आर इस फॉर्म का आ गया. ओके, अब क्या करोगे आप, इधर हम इधर ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है. अगर आप डिवीजन के बेसिक डेफिनेशन को याद करोगे तो आपको ये याद आएगा कि जब भी r इज इक्वल टू c इंटू समथिंग है. ठीक है, हमारे पास r तो एक इंटीजर है ही, राइट, c भी ऑफ कोर्स एक इंटीजर है, हमने यहाँ बोला नहीं होगा, लेकिन डिवीजर की बात चल रही है, ऑफ कोर्स एक इंटीजर ही है वो. z लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, z से इंटीजर, z का मतलब होता है इंटीजर को बिलोंग करना. ठीक है, तो ये भी इंटीजर है और ये भी ऑफ कोर्स इंटीजर ही होगा. q1 q2 q सब इंटीजर हैं, तो उनका ऑपरेशन भी इंटीजर ही होगा. तो जब दो इंटीजर का प्रोडक्ट r आ रहा है, इसका मतलब क्या, c जो है हमारा वो डिवाइड कर पा रहा होगा ना r को, ये मतलब हुआ ना भाई, c डिवाइड कर रहा है r को. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि c जो है हमारा r का डिविजर है. दैट मीन्स सो c इज अ डिविजर ऑफ r, ये प्रूव हो गया. और c b का डिविजर ये तो दिया हुआ ही हमें, ये तो हमने ले लिया था ना, इसी तरह शुरुआत की थी ना कि जो c है हमारा इट इज अ कॉमन डिविजर ऑफ a एंड b, तो b का तो डिविजर था ही वो, ऑफ अ डिविजर r एंड b, ये लिख सकते हैं हम अब. तो एक तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर c a और b का डिविजर है तो इसका मतलब वो r और b का भी डिविजर होगा. C अगर A और B का डिविजर है, इसका मतलब वो R और B का भी डिविजर होगा. We have proved it right here. Done. तो पहला, तो हमारे डेफिनेशन का पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया. अब वाइस वर्सा भी प्रूव करना है, करेक्ट, कि इसका अपोजिट भी सही है. सो मूविंग ऑन दैट, अब हम कोशिश करते हैं इसका अपोजिट भी प्रूव करने की. इसका अपोजिट क्या होगा बताइए, इसका अपोजिट होगा कि B और R का जो डिविजर है वो A और B का भी डिविजर होगा. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, वापस से वही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे.
क्वेश्चन क्या हमारी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। या अब हम क्या करेंगे, अज्यूम मान लेते हैं कि c एक कॉमन डिविजर है, कॉमन डिविजर किसका किसका कॉमन डिविजर होगा, b एंड r का, ठीक है। सच दैट ऑफ कोर्स कोशेंट और c के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे हम इन दोनों को, सच दैट b को क्या लिख देते हैं c क्यू वन लिख देते हैं और r को क्या लिख देते हैं हम c क्यू टू, ठीक है। लिख दिया, कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगी। तो अपने को ये मिल गई, r को हमने सी क्यू b को लिख दिया सी क्यू वन, r को लिख दिया सी क्यू टू। अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू सी क्यू वन प्लस सी क्यू टू, यहाँ पे q एक्स्ट्रा रहेगा b का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, a इज इक्वल टू सी क्यू वन क्यू प्लस क्यू टू। एक बात क्लियर दिख रही है, ये तो इंटीजर है ही, ये भी इंटीजर है ही और ये भी इंटीजर है ही। क्लियरली हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो है हमारा जो है हमारा जो c है वो a का डिविजर है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इससे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। अगर आप डेफिनेशन याद करोगे, बेसिक डेफिनेशन डिवीजन की, तो वो क्या कहता था कि a डिवाइड्स b, ये तब होगा जब हम b को लिख सकते हैं ए सी फॉर्म में, राइट। इसी का इस्तेमाल किया हमने कि c डिवाइड्स a, ये तभी हो सकता है जब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि सभी इंटीजर हैं। यहाँ पे ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि c इज ऑल्सो अ डिविजर ऑफ a। ऑलरेडी वी न्यू कि डिविजर ऑफ, देखिए b का तो था ही वो, उसे शुरुआत हुई थी यहाँ, उसी से शुरुआत हुई थी ना कि c कॉमन डिविजर हमने मान लिया था b का और r का, और अभी हमने अभी हमें क्या क्या मिला, अब a का और b का। इस तरह से हमने अपना जो ये डिवीजन एल्गोरिदम है, डिवीजन एल्गोरिदम, ये हमने प्रूव कर दिया। अगली वीडियो में हम HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HCF ऑफ मोर देन टू नंबर्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, नहीं दो दो का तो हम जानते ही हैं, तो दो से ज़्यादा नंबर्स का हम HCF कैसे निकालें। तो दो से ज़्यादा नंबर का HCF निकालने में कोई मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, उसके लिए आप बस ये तीन स्टेप फॉलो करिएगा। पहली स्टेप क्या है, फाइंड द HCF ऑफ एनी टू ऑफ देम। लेट अस सपोज मेरे पास तीन नंबर है, ए बी और सी, तो ए बी सी में से कोई भी दो नंबर का आप एस सी एफ निकाल लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने बी और सी का एस सी एफ निकाल लिया, अब बी और सी का एस सी एफ लेट अस सपोज क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो इसमें पहली स्टेप क्या है कि उनमें से तीन नंबर, मतलब तीन या दो या तीन